तो दोस्तों फाइनली मैं वहाँ पे आ गया हूँ। पीछे आप देख रहे होंगे मेरे बर्ड्स ही बर्ड्स है। यहाँ का वीडियो शूट होगा और प्रॉपर आपको अहमदाबाद बगीच के ऊपर वीडियो देखने मिलेगी। माशाल्लाह देखिए ये बर्ड्स है, यहाँ पर मैं वीडियो निकालने आया हूँ। तो दोस्तों वीडियो हमने निकाल लिए और बाइक पे बैठ के जा रहे हैं और ये भाई हमारे साथ में, यही हमको सब गाइड कर रहे हैं। डीसीपी सर से भी यही मिलाने वाले हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं, पीछे जो दिख रहा है गेट वो पुलिस आयुक्त निवास है, यानी कि डीसीपी सर का बंगला है। और जो एवियरी है वगैरह उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो चलिए दोस्तों अंदर चलेंगे। देखिए ये वो बंगला है, पुलिस आयुक्त निवास लिखा हुआ है। सो दोस्तों एंट्री कर चुके हैं हम अंदर। पीछे आप देख रहे हो गेट से हम अंदर आ गए। अब वहाँ पर एग्जैक्टली एवियरी, तो वहाँ पर जाके हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे डिटेल में, जो भी आपको सब हम बताएंगे। बेसिकली जो जंगली चिड़िया होती है उसको सेव करने के लिए उन्होंने जो किया हुआ है, और इसके अलावा जो प्रॉपर एवियरी है सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों बर्ड्स की वीडियो बनाने के लिए मैं अंदर पहुंच गया था। ये एवियरी आप पीछे देख रहे हो, ये इतनी बड़ी एवियरी है। यहाँ पर मैं बर्ड्स की वीडियो बनाने पहुंच गया और कुछ इस तरह के बर्ड्स है, सारे बहुत प्यारे प्यारे बर्ड्स है, सबकी वीडियो मैंने निकाल ली है, उसका डेडिकेटेड चैनल पर देखने मिलेगा। कुछ डक्स वगैरह वहाँ पर घूम रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पर ये अफ्रीकन ग्रे बर्ड है, सबसे बड़ा बर्ड यही है अफ्रीकन ग्रे। यहाँ पर सन कॉन्यूर वगैरह है यहाँ पर, तो एक प्यारा माहौल है। आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे बर्ड्स हैं यहाँ पर, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये एवियरी देखिए, ये रेस्क्यू सेंटर कहिए, एवियरी कहिए, जो भी कहिए, यहाँ पर सोलापुर पुलिस आयुक्तालय के अंदर ही है। डीसीपी सर का जो बंगलो है उसके एग्जैक्ट पीछे एक यार्ड है, वहाँ पर सब बनाया हुआ है। बहुत प्यारे प्यारे बर्ड्स आप देख सकते हो। घूमते फिरते मैं आदित्य भाई के घर पर आया हूँ, और आदित्य भाई के घर पर मैं एक सिंगल बर्ड को मिलने आया हूँ। वो बर्ड अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करता है, ये सब आपको दिख रहा है। और वो आदित्य भाई के हाथ पर है, वो पर्च पे बैठेगा, इसका भी वीडियो प्रॉपर अहमदाबाद बजीज पे आपको देखने मिल जाएगा। ये सारी एक्टिविटीज़ है उसके सारे, मतलब ये है टॉयज़ वगैरह, ये कॉइन को उसके अंदर डालता है, सब अलग अलग तरह की, ये मतलब फुटबॉल खेलेगा इसके साथ में। सुबह से दो तीन एवियरी घूमने के बाद फिलहाल आदित्य भाई ने मुझे घर पर ड्रॉप कर दिया है। थैंक यू सो मच आदित्य भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत जगह आप इन्होंने घुमाया। सुल्तान देखिए आ गया घर के पास, जैसे ही मेरी आवाज़ सुना फ़ौरन आ गया ये। चलिए दोस्तों आदित्य भाई को रवाना करते हैं। तो गाइस मुझे व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू चैनल बढ़ाना है हमें। कल जो है मेरी छोटी साली साहिबा के वहाँ पे मैं गया था, अब्दुल्ला को हमने फूल वगैरह पहनाए थे, आपने देखा होगा वीडियो कल वाला व्लॉग। वहाँ पर हमारी खाने की दावत है, तो मैं, सुल्तान, मसीरा, हम सब लोग जा रहे हैं वहाँ पर, और सुल्तान के मम्मी भी जा रहे हैं। सब जाएंगे खाना खाने, खाना खाएंगे, पेट भर के खाएंगे ना, जोर से हाँ बोलो, खाएंगे, कितना खाएंगे, थोड़ा, हाँ। बहुत सारा, जल्दी बोलो, बहुत सारा, बहुत सारा, बहुत सारा खाएंगे। दोस्तों आ चुके हैं खाने के लिए, और सबसे पहली आइटम आई है रबड़ी। रबड़ी है स्पेशली, ये देख सकते हो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी लग रही है, वैसे तो अट्रैक्टिव लग रही है। खाकर मैं आपको बताता हूँ कैसा है इसका स्वाद। रबड़ी खा रहे हम, माउंट आबू की रबड़ी फेल है इसके सामने, इतनी ज़बरदस्त है। दोस्तों खाना वाना खा लिया, खाना खा के बाहर निकला हूँ। यहाँ पर ये सोलापुर का फेमस इलाका है, मदला मारुति बोलते हैं इसको। यहाँ पर हमेशा भीड़ वगैरह रहती है, ये मंदिर है मदला मारुति, यहाँ पर सब भीड़ रहती है, बहुत मज़ा आती है, हमेशा रश रहता है यहाँ पर। रात को 9 बजे तक यहाँ पर इसी तरह से रश रहेगा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत फेमस इलाका है यहाँ का। तो मेरे साढ़ू भाई के साथ थोड़ा मैं बाहर घूम रहा था, और घूमते घूमते एक मेरा सब्सक्राइबर है, काफ़ी टाइम से मेरी बात होती है, और मेरे साढ़ू भाई के बहुत अच्छे दोस्त भी है, आसिफ भाई, उनका केक का शॉप है, मैं वहाँ पे आया हूँ। शोलापुर में इनकी 5 केक की शॉप्स हैं, इनकी 5 ब्रांचेस हैं, और इनके घर जो है, मेरा जो ससुराल है वहाँ पर ही आगे रहते हैं, घर के पास इनके फैक्ट्री है और ख़ुद का मैन्युफैक्चरिंग है। तो देखिए ये वो शॉप है केक पॉइंट के नाम से, और ऊपर आप उनका नंबर वगैरह भी देख सकते हो। अंदर जाएंगे, मुलाकात करेंगे, बाहर ये थोड़ा फूल वगैरह भी रखे होते हैं आर्टिफिशियल, और अंदर जाने के बाद माशाल्लाह एक से बढ़कर एक केक मिल जाएंगे, जैसा चाहिए वैसा रिक्वायरमेंट वैसा केक आपको मिल जाएगा। और मैन्युफैक्चरिंग इनका खुद का है तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, और बर्थडे के रिलेटेड सारी आइटम्स वगैरह भी यहाँ पर होती है। आया हूँ, मेरे सब्सक्राइबर है, तो एक मैं छोटा सा उनको तोहफा देना चाहता हूँ, ये वीडियो बना के एक छोटा सा प्रमोशन मेरी तरफ से। तो बहुत बढ़िया, देखिए ये सब केक वगैरह बाहर निकाल के दिखा रहे हैं। आसिफ भाई भी है ना, आसिफ भाई 1 बजे यहाँ से निकल जाते हैं, पर ये उनके साथ वाले जो इनके है वो उनके भाई के लड़के हैं आप, राइट, उनके भाई के लड़के हैं। आदिल भाई, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत, आदिल भाई है शॉप पर भी, और यहाँ पर देखिए केक वगैरह दिखा रहे हैं, 4-5 टाइप के अलग अलग निकाल के, बहुत खूबसूरत खूबसूरत केक है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट वैसा आपको केक बना के दे भी देंगे। डीप फ्रीज किए हुए केक है कुछ, और कुछ को यहाँ पे अंदर रखा हुआ है,
बहुत यूनिक तरह की केक है, वाइट फॉरेस्ट है शायद ये, कोकोनट, अच्छा कोकोनट केक है, बहुत खूबसूरत है, मज़ेदार केक्स लग रहे हैं, क्रंची फ्लेवर है ये वाला, मिक्स फ्रूट है, मिक्स फ्रूट है ये अपना, तुम ड्राई फ्रूट कुंदा फ्लेवर है, ड्राई फ्रूट कुंदा ओके, ये वाला पाइनएप्पल फ्लेवर, पाइनएप्पल फ्लेवर है, ये वाला फालूदा फ्लेवर है, सब फ्लेवर है, टोटल 35 फ्लेवर है। और यहाँ पर जो है आपको मैंने नंबर भी बाहर दे दिया, बोर्ड आप देख सकते हो, बोर्ड पे आप पॉज करके जो है यहाँ पर आ सकते हो शोलापुर में। ये एग्जैक्टली है कहाँ पर? मदला मारुति के पास में, ये मेन रोड पे फ्लावर जो है, फूल वगैरह जो मिलते हैं वहीं पर है ये शॉप। आपको मैंने 2-3 दिन पहले के ब्लॉग में दिखाया था फूल, जहाँ पर मैं लेने आया था उसके एग्जैक्टली सामने ही है मदला मारुति। दोस्तों केक शॉप में बैठा हूँ, छोटा सा तोहफा इनकी तरफ से पेस्ट्री दी गई है, खाएंगे देखेंगे और मैं आपको लाइव रिव्यू बताऊँगा कैसा है इनका। जो आपको पता है मैं कभी अच्छा होता है तो ही अच्छा बोलता हूँ, आप मेरी अहमदाबाद बजीज जो है उस पर देख सकते हो, अगर वाकई में अच्छा होता है, वाकई में बर्ड्स अच्छे होते हैं तो मैं वीडियो निकालता हूँ। काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मैं लोकेशन पर पहुँच के बर्ड्स मुझे अच्छे नहीं लगे तो मैंने वीडियोज़ नहीं बनाए, काफ़ी दूर 300 किलोमीटर दूर जाके मैंने कभी वीडियो नहीं बनाए क्योंकि मुझे बर्ड्स अच्छे नहीं लगे। तो लाइव आपको बता देता हूँ कैसा है, बेस्ट, 10 स्टार, 10 out of 10। के बाद फाइनल जो मेन यहाँ पर हैंडल करते हैं वो आए हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? हुज़ैफ भाई। आसिफ भाई के आप कौन हो? वो भतीजे हूँ। अब उनका भतीजे हो, ठीक है कोई बात नहीं, यही वो पर्सन है जो मेन सब हैंडल करते हैं। उस तो हमारे एक चाची उनके वहाँ पे आया हूँ, यहाँ पर एक कैट है, मेल कैट है और काफ़ी बचपन से इन्होंने पाला हुआ है। अभी इसकी उम्र कितनी है? अच्छा, तो मतलब ये 7-8 महीने के आसपास का बिल्ला है और बहुत ज़बरदस्त है, देख सकते हो आप, काफ़ी क्यूट है। तो आ चुके हैं घर के पास और जैसे ही मैं आया बारिश वगैरह स्टार्ट हो गई, हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हो रही है, देखिए हैदराबाद रोड बोलते हैं इसको, यहाँ पर हल्की हल्की सी बारिश अभी स्टार्ट हुई है, बादल बहुत ज़्यादा काले हो गए, बारिश बहुत ज़्यादा आएगी ऐसा लग रहा है। मेरे शोलापुर से निकलने का टाइम हो रहा है, सुल्तान आया तो उसके मम्मी यहीं पर रहेंगे, बकरीद के बाद मैं दोबारा आऊँगा। हाँ सुल्तान फ़ोन देख रहा है ना, इसको यहाँ पर आके मुझे गुड बाय बोलना पड़ेगा, वो मेन रूम में पीछे ले जाऊँगा तो वहाँ पर मुझे देख के पीछे लगेगा फिर मेरे, इसलिए यहाँ पर उसको फ़ोन दे दिया ताकि ये फ़ोन के चक्कर में लगा रहे और मैं कुत्ते में चुपके से मैं निकल जाऊँ, वरना बहुत रोएगा, 1-2 घंटे तक रोएगा। तो फाइनली अभी सुल्तान को भी गुड बाय बोलने का टाइम आ गया, ईद के बाद दोबारा आएंगे अब्बू, बहुत ये मतलब हार्ड मोमेंट होता है मेरे लिए, इट्स ऑलवेज वेरी हार्ड टू से गुड बाय। सो फाइनली अभी जा रहा हूँ मैं सुल्तान के पास से, सुल्तान अब्बू को मम्म दो, शाबाश, बाय बाय बेटा, बाय बाय, लव यू, लव यू, बाय करो, बाय। चलो तुम फ़ोन देखो, ठीक है फ़ोन देखो, यहाँ बैठो, चलो बाय बेटा, फ़ोन देखो, सोकर फ़ोन देखो, मस्ती मत करना ठीक है, मस्ती मत करना, बिल्कुल नहीं सताना, बाहर नहीं जाना ठीक है, ज़्यादा फ़ोन नहीं देखना, हाँ थोड़ा सा देखो और बंद कर दो, मम्मी को फ़ोन दोबारा दे देना। ये इसको मैंने मेरे पहले का MI Note 5 Pro था तो मैंने इसको ही दे दिया सिम कार्ड निकाल के, वाईफाई से कनेक्ट करके देखता रहता ही है, उसके मम्मी के फ़ोन में हॉटस्पॉट कनेक्ट करके। चलो बेटा बाय बाय। सो देखिए अब आयत को भी मैं गुड बाय कर रहा हूँ, आयत ये वाले रूम में थी, मेरा बैग यहाँ पर रेडी है, मैं ऑलवेज एक ही बैग लेता हूँ, शोल्डर बैग एक ही लेता हूँ मैं हमेशा जब मैं अकेला होता हूँ, खासकर सफ़र में। टाटा बेटा बाय बाय, ना ना जाना पड़ेगा बेटा, ऑटो में बैठ के निकल ही गया, बस ऑटो स्टार्ट हो रही है, पीछे घर को गुड बाय बोल दिया, सुल्तान भी अंदर ही, उसको बाहर आने का मौका नहीं दिया, अगर बाहर देख लेता मुझे तो बहुत रोता, 1-2 घंटा कंटिन्यू रोता, तो मैं वो नहीं करने जाना चाहता था इसलिए मैंने उसको अंदर से ये छोड़ दिया, बाहर आने नहीं दिया उसको मैंने। अब मैं एक बैग लेके निकल गया हूँ, सोलापुर के स्टेशन पे आ चुका हूँ, काफ़ी डेवलप हो गया है स्टेशन, माशाल्लाह एक नंबर बना दिया है। और ये देखिए पीछे का कुछ नज़ारा दिखा रहा हूँ आपको मैं, काफ़ी बेहतरीन बनाया हुआ है, ये इंजन है उसको लाइटिंग वगैरह की गई है, हर स्टेशन पर बेसिकली एक ओल्ड इंजन तो होता ही है, तो यहाँ पर भी ये ओल्ड इंजन है, उसको कुछ लाइटिंग वगैरह की गई है और बाहर से भी स्टेशन को काफ़ी अच्छा बनाया गया है, पहले इतना डेवलप नहीं था। ऊपर आप नाम देख सकते हो सोलापुर लिखा हुआ है, उसकी लाइट बदल रही है और यहाँ भी एयरपोर्ट टाइप का कर दिया है, थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है एकदम। तो अपनी ही गाड़ी का अनाउंसमेंट हो रहा है,
22718 सिकंदराबाद राजकोट। ये सबसे अच्छा मुझे लगता है जब गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर एक पे आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सीढ़ी वगैरह क्रॉस करके जाना नहीं पड़ता, फटाफट प्लेटफॉर्म नंबर एक पे चढ़ो और वहाँ से गाड़ी पकड़ लो। अब मतलब अपना डब्बा B1 है तो B1 जहाँ पे लिखा है मैं वहाँ पे जा रहा हूँ एग्जैक्टली। देखिए दोस्तों ट्रेन आ रही है अपनी और यकीन नहीं मानोगे 18 मिनट जल्दी आई है। B1 जहाँ पे लिखा है मैं वहीं पे आके खड़ा हूँ, ट्रेन अपनी आ गई है 22718। 5 नंबर है अपना तो अंदर जाके बैठ जाएंगे अपने। चलिए अंदर चल रहे हैं, देखते हैं कैसा है। हम सफ़र तो बहुत अच्छी थी, इसका देख लेते हैं क्या है स्टेटस। सो दोस्तों 18 मिनट पहले आई थी गाड़ी तो 18 मिनट वो रुकेगी और इसके अलावा 5 मिनट जो हॉल्ट लेती है वो तो ले गई, यानी कि कुल मिला के 20-22 मिनट गाड़ी यहाँ पे रुकने वाली है। सामान वगैरह मैंने अंदर रख दिया है और अभी मैं बाहर आके खड़ा हूँ। अंदर एक बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, AC होने के बावजूद साथ में एक एक्स्ट्रा छोटा सा फ़ैन दिया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा अंदर। पहले तो मैं जाके अंदर कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा यार ये वाकई में AC डब्बा है या नहीं है, पर फिर जब AC के होल्स देखे मैंने तो पता चला हाँ चलो AC की हवा आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। पंखा ऐसे ही एक्स्ट्रा उन्होंने लगा के रखा हुआ है ताकि AC की हवा रोटेट होती रहे। हम सफ़र में ऐसा नहीं था, वो बेस्ट थी, पर ये भी ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे दोस्तों रात की गाड़ी का टाइम है तो अभी मैं सो ही जाऊंगा, डायरेक्टली कुछ करना नहीं है, सुबह उठेंगे। और आज का व्लॉग चलिए यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।